हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 15 मई से नेशन वाइड लॉकडाउन शुरू। इस खबर पर आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सही में 15 मई से लॉकडाउन लगने वाला है नेशन वाइड। और यहां पर हम बात करने वाले हैं नेशन वाइड लॉकडाउन तो सही बात है, इससे स्टॉक मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और कितने पॉइंट स्टॉक जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, वो कितने पॉइंट गिर सकता है, पूरे स्टॉक मार्केट में कैसा क्रैश हो सकता है, ये सारी चीजें की बात हम करेंगे। तो यहां पर से नेशन वाइड लॉकडाउन, यहां पर आप लोग बोलोगे कि यार नेशन वाइड लॉकडाउन, तो वहां पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मना कर दिया है, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगेगा कभी भी। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन हो जाती है तो ही लगेगा। तो क्या अभी बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है इंडिया की, तो उसके ऊपर पहले चलते हैं। कोविड-19 केसेस क्या चल रहे हैं इंडिया में, इंडिया की बात की जाए तो अभी कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 8 मई को यहाँ पर 4,03,000 केसेस देखने को मिले थे, रजिस्टर्ड न्यू केसेस है ये सारे के सारे। और एवरेज की बात की जाए तो एवरेज ऑलमोस्ट 3,91,000 के आसपास इसके 7 डेज़ का एवरेज है। आप लोगों को 30 डेज़ का चार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये जो चार्ट है धीरे धीरे तरीके से ऊपर जा रहा है। और आने वाले समय में ये चीज़ आप लोगों ना पता तो बता दूं, ये सारे के सारे आंकड़े हैं वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है, ज्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो जाए इसी की वजह से। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अभी नेशन वाइड लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है वो बता देता हूं। तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर से क्या बताया वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो, द इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर एक चार्ट दिखाया है, चार्ट के ऊपर हमारा इंडिया का पूरा मैप है, वहाँ पर कैसे सिचुएशन चल रही है। उससे पहले नेशन वाइड लॉकडाउन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो इंडिया है हमारा, तो यहाँ पर सारा का सारा इंडिया लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी जगह नहीं चलेगी। तो ये चीज़ याद रखना, अभी ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, कोविड-19 सेकेंड वेव हियर अ लिस्ट ऑफ स्टेट दैट हैव इम्पोज फुल लॉकडाउन। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है कि जो अभी यहाँ पर जो लिस्ट बताई जाएगी स्टेट की, वो वहाँ सारे के सारे स्टेट्स में फुल लॉकडाउन लगाया दिया गया है। मतलब पूरे का पूरा स्टेट बंद, पूरा का पूरा स्टेट। और जो पहले 2020 में सिचुएशन हुई थी, जो नेशन वाइड हुई थी, वो अभी स्टेट वाइज देखने को मिल रही है। तो अभी इसकी क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर कोविड-19 के जो केसेस है वो नंबर ऑफ स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, हमारी पिछले वाली वीडियो के देख लेना, वहां पर मैंने ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि दिल्ली कर्नाटका की बात की जाए या यहां पर मुंबई की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, सारी जगह पर अभी बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। दिल्ली की बात की जाए, मेट्रो बंद कर दी गई है आज से ही, और उसके साथ साथ यहां पर कल से मेट्रो बंद हो जाएगी, और उसके साथ साथ यहां पर जो सिचुएशन है उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर से उनके सीएम है जो केजरीवाल, उन्होंने ये बताई ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल जैसे बहुत सारे जो स्टेट्स है वहाँ पर नाइट कर्फ्यू तो चल रहा है, वीकली लॉकडाउन्स भी चल रहे हैं, पर यहाँ पर और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। तो वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर से जो एक चार्ट मैं दिखाऊंगा उससे वो आप लोगों को उससे पता चल जाएगा कि कैसी सिचुएशन है इंडिया की। तो यहाँ पर ये चार्ट दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर से चार्ट में आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंडियास लॉकडाउन मैप। तो यहाँ पर अभी अलग अलग स्टेट्स है, ये पूरा इंडिया है, आप लोग देखो ये पूरा पूरा इंडिया है हमारा। और हर एक जगह पर आप लोग जो रेड कलर का एरिया है ना, वो क्या है, फुल्ली लॉकडाउन है, फुल्ली लॉकडाउन से जगह है। और जो येलो कलर का जो एरिया है वहाँ पर पार्शियली लॉकडाउन है, मतलब आप लोग बाहर निकल सकते हो, कुछ काम है तो आप लोग बाहर निकल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड एरिया है वहाँ पर आप लोग मेजर एरिया आप लोगों को रेड एरिया ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ गोवा, उसके साथ साथ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु,
उड़ीसा, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल जैसे बहुत सारे, वेस्ट बंगाल तो नहीं पर वैसे बहुत सारे, बिहार जैसे बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर से नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया है, मतलब नेशन वाइड नहीं स्टेट वाइज लॉकडाउन लगा दिया है, जो फुल्ली आप लोग बोल सकते हो स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर आप लोगों को पंजाब के अंदर भी नेशन वाइड लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, हरियाणा जैसे स्टेट में भी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बहुत सारे स्टेट्स में, और सूरत जैसे स्टेट में पार्शियली लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, फुल्ली लॉकडाउन नहीं है अभी गुजरात में। पर आने वाले समय में 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की बात की जाए तो 17 मई तक यहाँ पर से बढ़ा दिया गया है। और महाराष्ट्र में तो पिछले 20-21 दिन से ऑलरेडी महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश, देखो यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या बोला है गवर्नमेंट में, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगेगा, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगेगा। पर एक्चुअल में हम देखने जाए तो देखो हर एक स्टेट मिलाकर एक हमारा कंट्री बनता है, जो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया को हर एक स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट अलग अलग डिसीजन लेकर वो लॉकडाउन कर देंगे अलग अलग। ये देखो ये सारा सारा का सारा एरिया लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन है, सारा का सारा ये सारा का सारा एरिया लॉकडाउन है। तो वहाँ पर सिचुएशन कैसी रहेगी, देखो यहाँ पर थोड़ा पार्शियली लॉकडाउन है, पार्शियली लॉकडाउन, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को लॉकडाउन की सिचुएशन नेशन वाइड नहीं बोला नहीं जाएगा कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगाए, ऐसा ही बोला जाएगा स्टेट वाइज लॉकडाउन लगाए, पर एक्चुअल में नेशन वाइड लॉकडाउन ही है, ये चीज़ याद रखना। और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आप लोगों को बताता हूँ लास्ट में। पर ये देखो ये चीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, जो ऐसे ही कोरोना केसेस बढ़ते जाएंगे, लॉकडाउन की सिचुएशन तो भाई बढ़ती जाएगी और हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा। रिवाइव अभी थोड़ी बहुत हो रही थी और अभी फिर से यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन फिर से सेकेंड वेव में आ रही है। तो अभी देखो वैक्सीन और वो सारी चीज़ें तो ठीक है यार, सप्लाई होती है नहीं होती है, लगती है नहीं लगती है, पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है घर से बाहर मत निकलो यार। और अब ऑलरेडी आप लोग मान ही लो कि नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया है, स्टॉक मार्केट को इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगा है। अभी FIS DIS ने जो पैसे लगा कर रखे हुए हैं ना इंडिया के अंदर, इसी की वजह से बस मार्केट ऊपर है, वरना इसकी जो स्टॉक मार्केट के असली प्राइस ये है ही नहीं, 11,000 के आसपास ये चल रहा होता निफ्टी की बात की जाए, असली की प्राइस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है उसकी, और अभी 14,800 के आसपास चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो देखो यार हम भी यहाँ पर रिजल्ट का दौर चल रहा है, और रिजल्ट में आप लोग देखोगे तो बहुत सारी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कभी अभी कंपनियों के बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा, पिछले 7 डेज से यहाँ पर से अच्छा खासा, मतलब 1% 1.2% के आसपास का उछाल था, पर अभी आप लोगों को फिर से दबाव देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक की हालत जो खराब हो रही है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या आप लोग बोल सकते हो समझा नहीं सकते आप लोगों को कि इतनी ज़्यादा बैंक्स की हालत ख़राब है। बहुत ज़्यादा NPA क्रिएट हो रहे हैं। बंधन बैंक की बात की जाए इतनी अच्छी बैंक की भी बैंड बजी पड़ी हुई है, रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में। कुछ अच्छी बैंक्स है जहाँ पर आप लोग निवेश कर लेना बैंक में डिस्काउंटेड प्राइस में, जो अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है, तो HDFC जैसी बैंक या कोटक महिंद्रा जैसी बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकती हो, जो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी सेफ देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर के पूरे मामले में हम देखने जाए तो। और एक PSU बैंक में जाना है तो SBI के अंदर जा सकती हो, ठीक है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में आप लोग अभी मत ही पढ़ो, और उसके साथ साथ आप लोगों को ऑटो सेक्टर में दबाव देखने को मिलने वाला है, टायर सेगमेंट में दबाव देखने को मिलने वाला है, ये सारे के सारे जो सेगमेंट है वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई बाहर नहीं निकलेगा तो क्यों भाई कौन व्हीकल खरीदेगा। ऑलरेडी अप्रैल मंथ का जो डेटा है हम देखेंगे गाड़ियों का, तो वो ऑलरेडी
ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने बताया था अप्रैल मंथ का डेटा में बहुत ज़्यादा सारी की सारी डाटा, मोटर्स, राइजर मोटर, अशोक लेलैंड और जैसी बहुत सारी मारुति सुजुकी जैसी बहुत सारी कंपनियों में जो जो सेल्स थे वो घटे हैं पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले मंथ के मुकाबले। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो बस सिर्फ आज के लिए नहीं, आप लोगों को असली चीज़ मैंने बता दी है जो सही चीज़ है वो, बाकी तो आपकी मर्जी है। थोड़ा सेफ लेकर खेलना स्टॉक मार्केट में रहना है तो, और लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा, 5 साल में आप लोगों को स्टॉक मार्केट से फ़ायदा ही होगा। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन लोगों को नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो बस आज के लिए नहीं, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।